7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर अचानक हमला शुरू कर दिया। इजराइल में यहूदी धर्म के लोग उस वक्त छुट्टी मनाने की योजना बना रहे थे। उसी वक्त फिलिस्तीनी संगठन हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल की ओर हजारों रॉकेट दागे। महज 20 मिनट में ही 5,000 रॉकेट दागे गए। इसके अलावा हमास ने दक्षिणी इजराइल में घुसपैठ भी की। इसने अपने इस हमले को अलग सा फ्लड ऑपरेशन नाम दिया। हमास के हमले के बाद इजराइल ने युद्ध का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा करते हुए कहा कि उनका देश अपने दुश्मन से अभूतपूर्व कीमत वसूलेगा। אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחנית נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון, הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. ישראל ने अपने दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स लॉन्च किया। हवास के हमले ने इजराइल के लोगों को आज से 50 साल पहले हुए योम किपुर युद्ध की याद दिला दी। आखिर ये युद्ध किस वजह से हुआ था? इस युद्ध की तुलना हमास के 2023 के हमले से क्यों की जा रही है? चलिए इस वीडियो में आपको सब कुछ बताते हैं। 1973 में इजराइल पर हुए हमले का नेतृत्व मिस्र और सीरियाई सेनाओं ने किया था। मिडल ईस्ट में छिड़े इस युद्ध में मिस्र के सैनिकों ने सिनाई प्रायद्वीप में घुसपैठ की और सीरियाई सैनिक गोलान हाइट्स में घुस गए। ये युद्ध यहूदी धर्म के सबसे पवित्र दिन पर हुआ था। इस युद्ध में अरब सेनाएं 1967 में तीसरे अरब इजराइल युद्ध के दौरान गवाए हुए क्षेत्र को वापस हासिल करने की उम्मीद कर रही थी। जब इन सेनाओं ने युद्ध विराम सीमाओं को पार कर लिया, उसके बाद ये युद्ध शुरू हुआ। योम किपुर युद्ध ने शांति समझौते के भविष्य के प्रयासों के लिए एक मंच तैयार किया, लेकिन इसमें शामिल सभी देशों के लिए ये महंगा साबित हुआ। इस युद्ध के बाद इजराइल ने पहले से ज्यादा क्षेत्र हासिल कर लिया, लेकिन इसके बाद भी पहले से तैयारी की कमी की वजह से उसकी आलोचना की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर बोअज एटजिली ने इस युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर एक यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन में लिखा था, मिस्र और इजराइल दोनों के लिए युद्ध से मुख्य सबक ये है कि उनके बीच एक और युद्ध खजाने और खून दोनों के लिए बहुत महंगा है और इसे कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए। अक्सिली के मुताबिक इसके परिणाम स्वरूप सिनाई क्षेत्र को मिस्र को वापस करने के लिए इजराइल का अंतिम समझौता हुआ। उन्होंने कहा, इसके बाद ही अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने एक राजनयिक मिशन शुरू किया जिसके कारण इजराइल मिस्र शांति समझौता हुआ। अब आपको इस युद्ध की समय रेखा यानी कि टाइमलाइन बताते हैं। 6 अक्टूबर 1973 को मिस्र और सीरिया पर हमला हुआ था। 9 अक्टूबर 1973 को इजरायली सेना दोनों मोर्चों पर खतरे को नियंत्रित करने में सफल रही। 10 अक्टूबर को संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजरायल को एयरलिफ्ट की आपूर्ति की। 11 अक्टूबर 1973 से 24 अक्टूबर इसी साल तक संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से इजरायली सेनाएं अपने पक्ष में युद्ध को मोड़ने में सक्षम हुई। 22 अक्टूबर 1973 को संयुक्त राष्ट्र युद्ध विराम लागू होने के बाद भी इजरायल ने लड़ाई बंद करने से इनकार कर दिया। उसी साल 24 अक्टूबर को इजरायल ने अपनी स्थिति में सुधार किया और मिस्र की तीसरी सेना और स्वीडिश शहर अपने घेरे को पूरा कर लिया। 25 अक्टूबर को सोवियत संघ ने अपनी सेना भेजने की धमकी दी। अमेरिकी परमाणु हाई अलर्ट पर चला गया। 28 अक्टूबर 1973 को सफल युद्ध विराम योम किपुर युद्ध को समाप्त करने में सफल रहा। योम किपुर युद्ध के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए जानना जरूरी है। 1973 का योम किपुर युद्ध मिस्र और सीरिया द्वारा इजराइल पर एक आश्चर्यजनक हमला था। योम किपुर युद्ध या प्रायश्चित दिवस के त्योहार को मनाने के लिए इजरायली सैनिक अपनी पोस्टिंग से दूर थे, लेकिन जल्दी से जुटने और खतरे का सामना करने में सक्षम थे। सीरियाई और मिस्र दोनों मोर्चों पर तीव्र युद्ध हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र और सीरिया ने सोवियत संघ द्वारा इजराइल को फिर से आपूर्ति की। इजराइल में लगभग 2,800 लोग मारे गए जबकि 8,000 घायल हुए। मिस्र और सीरिया दोनों में 15,000 लोग मारे गए और 30,000 घायल हुए।
1973 के इस युद्ध की शुरुआत 6 अक्टूबर को हुई थी और इस बार बताया जा रहा है कि 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर यह हमला किया है जिसमें 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे गए। इसीलिए इस युद्ध की तुलना योम कीपुर युद्ध से की जा रही है।